तो गाइस पिछली बार मैंने वीडियोस बनाई थी धनी एप्लीकेशंस के ऊपर, तो उसमें क्या हो रहा था कि बहुत से लोगों को दिक्कत आई थी कि वो बैंक जो ट्रांसफर कर रहे थे तो बैंक ट्रांसफर उनका नहीं हो पा रहा था, या बैंक ट्रांसफर हो भी रहा था तो उनका जो पैसा है उनके पास नहीं पहुंच पा रहा था। तो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियोज़ में बताने वाला हूँ कि कब आपका पैसा आपको मिलता है, कितना टाइम लगता है बैंक में पैसा आने में, तो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियोज़ में आपको कवर करने वाला हूँ। तो गाइस जब मैं लेके तुमने फोन की स्क्रीन पर वहाँ पे सारी चीज़ें ए टू जेड जो भी चीज़ें हैं वो देख लेते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया होता है और कितना टाइम लगने वाला है पैसे आपको ट्रांसफर होने में। तो अब मैं आ चुका अपनी फोन की स्क्रीन पे, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दिखेगा मनी का, जैसे आप मनी पर टाइप करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा सबसे ऊपर यहाँ पे वॉलेट का, जैसे आप वॉलेट पर क्लिक करेंगे तो आप अपने वॉलेट सेक्शन में पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो भी आपका जो अमाउंट होगा वो सारे अमाउंट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पे जो दो तरह के वॉलेट होते हैं, एक तो होता है जनरल वॉलेट और एक होता है धनी कैश। तो जो भी जनरल वॉलेट का जो पैसा होता है उसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हो बैंक में। अब बैंक में ट्रांसफ़र करने के लिए आप ट्रांसफर टू बैंक में जा सकते हो, यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करके अपनी जो भी बैंक की डिटेल्स है उसको ऐड कर सकते हो। बैंक की डिटेल्स ऐड करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा, जैसे मेरा आ रहा है फरदीन आलम, इस वजह से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आप पैसे को ऐड डाल सकते हो, जितने भी पैसे आप ट्रांसफर करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 100 रुपये डालते हो, 100 रुपये डाल के यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है, जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे तो आपको जो पैसा हो आपके वॉलेट से कट जाएगा। और यहाँ पे आप स्टेटमेंट में जाकर देख सकते हो कि आपको जो पैसा कट गया है। अब यहाँ पे मैंने भी पहले बहुत सारे ट्रांजेक्शन करे थे, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे मैंने अभी ये 50 रुपीज़ का ट्रांसफ़र किया था तो ये मेरे पास आ चुका है। उसके बाद नीचे और भी ट्रांजेक्शन मैं आपको दिखा दूंगा, यहाँ पे 2-3 ट्रांजेक्शन करे थे जो भी जो पैसा है वो मेरे पास आ चुका है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, पैसे ट्रांसफर करने पर यहाँ पर उनका पैसे तो कट जाता है, लेकिन बहुत से लोग कंफ्यूज जाते हैं कि पैसा क्यों नहीं आया अभी तक। तो इसमें पैसे जो आने में आपको टाइम लगता है, 2 से 3 दिन का टाइम लग सकता है पैसे यहाँ पे ट्रांसफर होने में। तो सैटरडे और संडे को यहाँ पे पैसा आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा, और यहाँ से 2 से 3 दिन का टाइम लगता है, 2 से 3 दिन के अंदर आपके बैंक में पैसा जो आपके ट्रांसफर हो जाएगा। तो गाइस आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई हैं कैसे आपको धनी कैश जो अमाउंट है वो मिलने वाला है, धनी कैश का जो जनरल बैलेंस का जो अमाउंट होता है वो कैसे आपको मिलने वाला है, क्या क्या क्राइटेरिया होता है, वो सारी चीज़ें आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।